तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप ध्यान से देखो, यहाँ मैंने कोड लिखा है क्लास सी। क्लास सी के अंदर हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया हुआ है, मेन मेथड के अंदर हमने फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन कॉल है उसमें हमने आर्ग्यूमेंट 3 पास किया है। इस आर्ग्यूमेंट के लिए मैं पूरा आपको फ्लो दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे फैक्टोरियल फंक्शन हमने बनाया हुआ है, उस फैक्टोरियल फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो और दूसरी बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि हमने फैक्टोरियल फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया हुआ है, यानी कि जिस फंक्शन में हम बैठे हैं फैक्ट, उसी में बैठ के फैक्ट फंक्शन को ही कॉल किया हुआ है। और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आप एक इफ स्टेटमेंट देख रहे हो जिसका यूज़ करके हम लोग इसे एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने वाले हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट हम पास करने वाले हैं वो है 3, और हमारे फैक्टोरियल फंक्शन को भी का पैरामीटर वेरिएबल है एक्स, यानी कि हमें इनपुट वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर यहाँ लॉजिक ये है कि अगर एक्स का वैल्यू, यानी कि जो फैक्टोरियल फंक्शन को हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है, अगर वो आर्ग्यूमेंट वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न करो, अदरवाइज हमारा जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो लॉजिक बताया था कि किसी वैल्यू का फैक्टोरियल मतलब वैल्यू इनटू उससे एक लेस वैल्यू का फैक्टोरियल, यानी कि अगर 3 का फैक्टोरियल है मतलब 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ लिखा है। तो x का फैक्टोरियल हमने लिखा है x इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो नाउ देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर मैंने इस पूरे फ्लो को लिखा है, मैंने एक स्टैक भी ड्रॉ किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले मेन जो फंक्शन है वो यहाँ पर स्टैक अप हो जाएगा। तो मेन फंक्शन जैसे ही स्टैक अप होगा उसके अंदर जो पहला स्टेटमेंट है वो है फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करो। तो जैसे ही आपने फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया, फैक्टोरियल फंक्शन बोलता है कि वो एक इंट पैरामीटराइज फंक्शन है और पैरामीटर वेरिएबल का नाम एक्स है। तो आपने जो आर्ग्यूमेंट पास किया था मेन फंक्शन के अंदर से, वो जाके उस पैरामीटर वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो फैक्ट फंक्शन कॉल है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अभी तक मेन स्टेटमेंट रन कर लिया है जो कि फंक्शन को है, उसके अंदर हमने प्रिंट को नहीं कॉल किया, फैक्ट को कॉल किया है। पहले फैक्ट इंटरनल पार्ट रन होगा, उसका जो रिजल्ट हम प्रिंट को देंगे और तब जाके वो प्रिंट उसे आउटपुट कर देगा। तो ये जो राइट हैंड साइड पे मैंने सब ड्रॉ किया हुआ है फ्लो दिखाने के लिए, पूरा स्टूडियो कोड नोटेशन में है। तो यहाँ पर आप देखो कंट्रोल किसको हैंड ओवर हुआ, कंट्रोल फैक्टोरियल फंक्शन को हैंड ओवर हुआ। फैक्टोरियल फंक्शन जहाँ पर स्टैक अप हो चुका है, ठीक है। अच्छा, हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया हुआ है, हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है 3। तो इस फंक्शन कॉल में, इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल में एक्स का जो वैल्यू है, जो कि एक पैरामीटर वेरिएबल है, उसका वैल्यू है 3, जो हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। नाउ सेकेंड स्टेप परफॉर्म होगा, ये है टेस्ट, इफ टेस्ट। हमने कहा क्या x में जो स्टोर्ड वैल्यू है जो कि 3 है, क्या वो 0 के इक्विवेलेंट है? नो, टेस्ट फेल हो गया। टेस्ट फेल होने से क्या होगा, ये पार्ट स्किप हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, हम आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वैल्यू को रिटर्न करो, लेकिन वो रिटर्न कब करोगे आप? तो हमने कहा वो वैल्यू हम रिटर्न तो तब करेंगे जब इस एक्सप्रेशन को पूरी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। डन। तो इस एक्सप्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि x इंटू फैक्ट x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा x इंटू, तो हम मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, लेकिन जिस वैल्यू से करने वाले हैं वो तो एक फंक्शन कॉल है, राइट। ये तो एक फंक्शन कॉल है, तो हम इसे कैसे हैंडल करेंगे? तो कंट्रोल हम किसको पास कर देंगे, कंट्रोल हम फैक्ट फंक्शन को दे देंगे, यानी कि अब रिकर्सिवली फिर से फैक्ट फंक्शन जो है वो यहाँ पर कॉल हो गया है। तो हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, फैक्ट फंक्शन फिर से स्टैक अप हो गया है, और फैक्ट फंक्शन की डेफिनेशन में एक पैरामीटर वेरिएबल एक्स है। अच्छा, हमने इसको क्या आर्ग्यूमेंट पास किया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा कि जो हमारा फंक्शन कॉल इफेक्ट जिसमें बैठ के हमने रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया, वहाँ पर एक्स का करंट वैल्यू क्या था, 3। तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2। तो एग्जैक्टली आप क्या वैल्यू पास कर रहे हो यहाँ पर, हमने कहा हम 2 ये इनपुट वैल्यू पास कर रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल में एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 2, क्योंकि हमने क्या पास किया, x माइनस 1। तो प्रीवियस फैक्ट फंक्शन में x का वैल्यू 3 था, 3 माइनस 1 2, 2 हमने पास किया, और इस तरह से फ्रेश न्यू कॉल किया। तो फ्रेश न्यू कॉल को क्या इनपुट वैल्यू पास हुआ, 2।
नाउ कंट्रोल, जैसे ही आप फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल को हैंड ओवर करते हो उसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, और इफ स्टेटमेंट है, यहाँ हम डिसीजन लेंगे, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है, टू, इस फंक्शन कॉल में एक्स का वैल्यू क्या है, टू, तो टू क्या इक्वल टू जीरो है, नो, टेस्ट फेल, फेल हो गया तो ये पूरा स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा, ठीक है। इफ के अलावा जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है फंक्शन का वो रन होगा, उसमें लिखा है एक वैल्यू को रिटर्न करो, पर रिटर्न क्या होगा, हमें रिटर्न करना क्या है, हमें रिटर्न करना है क्या, एक्सप्रेशन का रिजल्ट। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको पहले इवैल्यूएट करना होगा, एक्स तो एक वेरिएबल है वो तो जज हो गया, लेकिन जो हमारा अनदर ऑपरेंड है वो तो फंक्शन कॉल है, तो वो तो फंक्शन कॉल करने पर, उसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पर जो वैल्यू रिटर्न होगा उसके बेसिस पे ही जज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल जो है फैक्ट फंक्शन को दिया, एक फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल स्टार्ट होगा, तो यहाँ मैं दिखाऊंगा स्टैक में कि फिर से एक फंक्शन कॉल स्टार्ट हो गया है, एक फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल स्टार्ट हो गया है, एक रिकर्सिव कॉल स्टार्ट हो गया है। अच्छा, हमने इसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास किया था, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। इमेजिन अभी जहाँ से कॉल किया वहाँ एक्स का वैल्यू क्या है, टू, तो हमने लिखा एक्स का वैल्यू है टू और माइनस वन कितना हो गया, वन, टू माइनस वन वन, तो हमने फैक्ट फंक्शन कॉल कर से में आर्ग्यूमेंट क्या पास किया, वन। तो इसका मतलब है कि इस फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल में x का वैल्यू क्या हो गया, 1, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या पास हुआ, 1। नाउ अब ये फंक्शन कॉल स्टार्ट होगा, आपको मालूम है स्टैक में जो सबसे टॉप पर उसी के अंदर का कोड रन होता है, तो फंक्शन स्टार्ट हुआ, इफ टेस्ट परफॉर्म होगा, इफ टेस्ट के अंदर हमने देखा x का वैल्यू क्या है, 1, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये भी टेस्ट फेल हो गया, ये टेस्ट फेल होने से इफ बॉडी स्किप हो जाएगी, लेकिन इसके बाद का जो पार्ट है वो रन होगा और वो बोलता है कि एक वैल्यू को रिटर्न करो, पर रिटर्न करना क्या, ये तो एक्सप्रेशन है, इसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, डन। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें से एक ऑपरेंड तो फंक्शन कॉल है, तो ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फंक्शन स्टार्ट होगा, इस तरह से हमने एक फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल स्टार्ट कर दिया है। वो जो फ्रेश न्यू फंक्शन कॉल है वो भी यहाँ पर स्टैकअप हो जाएगा, और ये देखो हमारा फैक्ट फंक्शन स्टैकअप हो गया, पैरामीटर वेरिएबल एक्स को मेमोरी एलोकेट हो गया। अच्छा, हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास किया इस एक्स को, तो प्रीवियस कॉल में अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियस कॉल में एक्स का वैल्यू क्या है, 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, तो इस बार आपने आर्ग्यूमेंट में क्या पास कर दिया, 0, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। ओके, नाउ आगे स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, एक्स का वैल्यू क्या 0 है, यस, टेस्ट पास, जैसे ही टेस्ट पास होगा अंदर का जो स्टेटमेंट है रिटर्न 1, मैंने यहाँ एरो मार्क किया हुआ है जो कि इंडिकेट करता है रिटर्न स्टेटमेंट को कि हमारा फंक्शन फाइनली क्या रिटर्न करने वाला है, तो हमने कहा 1। तो जैसे ही ये 1 एनकाउंटर हुआ रिमेनिंग स्टेप सारे स्किप हो जाएंगे और आपका फंक्शन तुरंत यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये फंक्शन तुरंत पॉप आउट हो गया, पर ये जाते जाते क्या वैल्यू अपने कॉलर को रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर आप देखो हम लोग क्या वैल्यू रिटर्न करने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊँगा ये वैल्यू जो रिटर्न हो रहा है वो है 1, ठीक है। ओके, तो इस रिटर्न वैल्यू के साथ मैंने यहाँ से इस फंक्शन का कॉल कंप्लीट हो गया, तो हमने क्या वैल्यू रिटर्न किया, 1। तो यहाँ जो फैक्ट फंक्शन हमने कॉल किया था उसका रिजल्ट क्या हमें मिला, 1, ठीक है। ओके, और इस फंक्शन के अंदर एक्स का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, तो इससे जो वैल्यू प्रोड्यूस होगा वो हम लोग इसके प्रीवियस फंक्शन कॉल को रिटर्न कर देंगे, यानी कि एग्जैक्टली हम 1 रिटर्न कर देंगे। इसका रन कंप्लीट हो गया, जब आपका फंक्शन पॉप आउट हुआ था लास्ट टाइम उसने क्या रिटर्न किया था, 1, और अब फिर से ये फंक्शन पॉप आउट हो रहा है फिर भी हमें क्या रिटर्न कर रहा है, 1, ठीक है। तो ये जो 1 वैल्यू है हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इस फैक्ट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है और रिजल्ट क्या मिला है आपको, 1। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक्स का वैल्यू क्या है, 2, 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, 2, 2 इंटू 1, 2, तो इसका रिजल्ट जो है वो हम लोग कॉलिंग कोड को रिटर्न कर देंगे। तो हमने कहा हम क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे, फैक्टोरियल, ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2 इंटू 1, 2, 2 ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगा।
तो इसके प्रीवियस कॉल में जहां हमने फंक्शन कॉल किया था वहां पर, तो इस फंक्शन कॉल का रिजल्ट आपको क्या मिला? टू। तो इस टू को हमने यहां लिखा। और अच्छा, इस फंक्शन कॉल में एक्स का वैल्यू क्या है? थ्री। थ्री इंटू टू ये कितना हो जाएगा? सिक्स। तो इसको हमें रिटर्न करना है, हमने कहा सिक्स, और इस तरह से सिक्स वैल्यू रिटर्न हो गया जो फैक्टोरियल का रिजल्ट है, और हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? सिक्स। तो इस वीडियो में मैंने इस पूरे फैक्टोरियल फंक्शन में किस तरह से कॉल परफॉर्म हो रहा है इसको एक्सप्लेन किया, कोड मैंने बताया। इस वीडियो को आप एक बार रिपीट देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो, और आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं मुझे कि अगर इसमें कोई डाउट है तो मैं उसे और क्लियर कर सकता हूँ। और इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोग्राम लिख के उसको रन करके उसके हम बेसिस पर रिजल्ट को हम चेक करेंगे कि हमने ठीक से तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया कि नहीं।